A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigrahi. On behalf of the whole EduTution family, I welcome you all to today's class. I am teaching you Science Class 10 and we are reading Chapter 14, Sources of Energy. And this is your second part. We are already in the last part of this textbook. So if you are new to the channel, do like, share and subscribe. And if you are watching the video for the very first time, do not forget to share it with others. Even you may go to the playlist and check out the other videos. Okay, so हम दूसरे पार्ट में आ चुके हैं और एक पार्ट आएगा फिर ये चैप्टर खत्म. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी रिमाइंड यू दैट EduTution इज प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर योर बेटर टुमारो. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. सो टुडे विल बी रीडिंग डैम्स, फ्यूम्स, बायोमास, बायोगैस प्लांट, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी. शुरू करते हैं. सबको पता ही होगा डैम क्या होता है. हम सब ने देखा है हमारे एरियाज में. तुम्हारे एरिया में ज़रूर डैम होगा, मेरे एरिया में तो है. तो डैम क्या होता है? डैम जो होता है, पानी जहाँ पे आपको नदियाँ मिलती हैं वहाँ का जो होता है एक बैरियर की तरह काम करता है, जहाँ से आप क्या करते हैं पानी निकाला जाता है फॉर वेरियस पर्पसेस, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो या फिर इरीगेशन के लिए हो, फिशिंग के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, तो वो बहुत सारे पर्पसेस में यूज़ होता है. नाउ व्हाट इज डैम? अ डैम इज़ अ बैरियर दैट इम्पाउंड्स वाटर और अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स. ठीक है, तो पानी को होता है एक जगह पे रोकता है और वेरियस यूजेस में यूज़ होता है. उसी से जो होता है रिक्वायरमेंट होता है पावर प्लांट, जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, फिशिंग और बहुत सारी चीज़ों में होता है, इवन फॉर ड्रिंकिंग वाटर. ओके ओके, तो फ्यूम बायोमास सबको पता है. बायोमास से क्या होता है? बायोमास मतलब लिविंग. बायो मीन्स लिविंग. ठीक है, लिविंग मैटर. बायोमास मतलब लिविंग मैटर या ऑर्गेनिक मैटर से हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसी को बोलते हैं बायोमास. तो क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक जो होता है वुड जो है वो हीट और लाइट एनर्जी के यूज फॉर्म में यूज हुआ है. तो इंडिया में क्या होता है कि बायोगैस जैसे कि काओ डंग से भी जो होता है वहाँ से भी आप एनर्जी को डेराइव कर सकते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा विलेज एरियाज में काओ डंग जो होता है उसको सुखा के रखा गया होता है और उसी को जब बर्न किया जाता है इट वर्क्स एज जस्ट इट गिव्स हीट एंड लाइट. तो वो भी जो होता है एक हीट एनर्जी से उससे रख के खाना भी बनाते हैं. तो स्मॉल पॉपुलेशन जो होती है वो वैसे भी यूज़ करती है. ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी. तो वो क्या होता है, हीट एनर्जी देता है जिससे कि वो बहुत सारे काम कर सकते हैं. ठीक है, जबके पास में इतने पैसे नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के बिल देने के लिए तो वो जो है बायो ढंग से बायोमास से हमारा जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. वेरी रिलायबल, चीप होता है और वेरी वेरी गुड भी होता है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट बर्न जो अब उड़ जो होता है, उड़ जो होता है क्या होता है, उड़ को एक पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है, और जब तक पानी उसमें नहीं डाला जाता तब तक वो चलता रहता है. अब बहुत सारी चीज़ें रेसिड्यू बिहाइंड लेफ्ट आउट हो जाती है, जैसे कि चारकोल. ठीक है, चारकोल जो है हैज़ गुड हीट जनरेटिंग एफिशिएंसी. ओके, तो इट बर्न्स विदाउट फ्लेम. सो द थिंग इज दैट कि बायोमास जो होता है बहुत गाँव में आज भी बायोमास देखा, जब झोपड़ी वगैरह में होगा या छोटे छोटे घरों में तुमने देखा होगा एकदम काओ डंग वो सुखाए होते हैं, जस्ट बिकॉज इट इज़ देयर सोर्स ऑफ फूड, इट इज़ अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. तो वहीं से जो है उनका घर, उनका चूल्हा चलता है. ठीक है, सो दैट इज़ अ वे दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी. ऑलराइट, ओके, सी तो ये वाला क्या है, देखो ये वाला तुम देख सकते हो. यहाँ से तो होता है हमारे इवन एम ट्रांसमिशन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे भी इसमें भी होता है ट्रांसमिशन. ओड रखा जाता है, जो ओड जो हमें नहीं चाहिए उससे भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी. कैसे? ओड से जो है बड़ा सा जो ऐसे फर्नेस होता है उसमें डाला जाता है, वहाँ पे ऐसा चैम्बर है फर्स्ट पिक्चर की तरह, एयर कंबशन, एयर जाता है, रिडक्शन होती है और वहीं गैस प्रोड्यूस करता है. अब ये गैस क्या होता है, बॉयलर पे जाता है. बॉयलर से जो होता है जब वो हीट की जाती है तो स्टीम प्रोड्यूस होता है. अब वही स्टीम जो होता है जब टर्बाइन के पास आती है तो टर्बाइन रोटेट करता है, रोटेट करके फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है और वो जनरेटर पे जाता है और वो जनरेटर से फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होकर कस्टमर तक पहुँचता है. तो इस थ्रू से जो हमारी है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. नाउ बायोगैस प्लांट, जैसे कि हमने पता इंडिया में काओ डंग हीट एनर्जी के लिए प्रोड्यूस की जाती है, और उसके अलावा सीवेज वेस्ट भी यूज़ किया जाता है.
फंगस, प्लांट मैटर डिकम्पोजिशन, तो ये सब भी जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनरोबिक रेस्पिरेशन करके बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है काउ डंग यानी गोबर गैस जो होता है यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बायोगैस जो एक डोम शेप का होता है एकदम ऐसे, ठीक है, ऐसे शेप का होता है। तो उसमें क्या होता है, एक डोम शेप होता है जो कि ब्रिक से बना होता है, ठीक है, जहाँ पे काउ डंग और जितने भी बायो वेस्ट हुआ, प्लांट मैटर एंड ऑल, उसको विदाउट ऑक्सीजन जो है स्लरी एक डाइजेस्टर टू मतलब वाटर के साथ मिक्स करके कुछ टाइम तक घुमाया जाता है। तो इससे क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे कि एनरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस ना करे, उसके वजह से बिना ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को, एनरोबिक बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है और सील कर दिया जाता है चैम्बर। तो इससे क्या होता है, वो स्लरी बन जाता है। वही उसके बाद उसी डिकम्पोजिशन होने के बाद जो होता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन जैसे केमिकल्स, गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, और यही जो पाइप्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है और इसी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। दिस इज़ हाउ द थिंग वर्क्स। तो विंड एनर्जी, ओके, वी आई हैव इंसर्टेड द रॉन्ग, ओके ओके, ये वाला देखो, ये पिक्चर जो है, यही पिक्चर तुम्हारे इसका बायोगैस प्लांट का पिक्चर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुमने देखा इनलेट आया, तो यहाँ से जितना भी तुम्हारा जो है वेस्ट है, डिकम्पोज होता है, उसको क्या करते हैं, गैस होल्डर में डाल दिया जाता है, जहाँ पे सील कर दिया जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया के साथ। कुछ टाइम के बाद वो स्लरी बन जाती है, और उसी स्लरी से हम लोग क्या करते हैं, उसी स्लरी जो होती है कुछ टाइम के बाद डिकम्पोजिशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन जैसे गैसेस देती हैं, और उसी से इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे घरों में प्रोड्यूस होता है। यानी कि जो वेस्ट है उसको भी हम प्रॉपर यूज़ में अगर करें तो वो हमारे काम आ सकता है। नाउ विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है विंड के एनर्जी से भी प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गुजरात राजस्थान जाओ तो आपको विंड मिल दिखेगा, ठीक है, बड़ा बड़ा पंखा घूमते हुए। तो उससे क्या होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़ोर की हवाएं चलती हैं अपर सरफेस में, उससे जो होता है वो टर्म जब वो पंखे घूमते हैं विंड मिल, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, समझ गया। तो विंड मिल क्या होता है, रोटेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब हवा टकराती है बड़े बड़े प्लेट्स लगे होते हैं, वही प्लेट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे विंड मिल जो होते हैं लाइन में लगे होते हैं, तो फॉर्म होता है उनका, वहीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पे बहुत सारा विंड मिल आपको दिखेगा। एडवांटेज क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं है, एफिशिएंट है, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स है, और ज़्यादा प्रोडक्शन का कॉस्ट भी नहीं है। लिमिटेशन क्या है, एटलीस्ट हवा की कॉन्स्टेंट स्पीड रहनी चाहिए मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उसकी सेल्स होती हैं, बैटरीज बार बार चेंज करनी पड़ती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए होता है उसके लिए, एंड ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं वी हैव टू डू, ओके। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी। नाउ व्हाट इज सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड अ सोलर एनर्जी, ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेट्स, ठीक है। सन हैज़ बीन रेडिएटिंग एनर्जी फ्रॉम द पास्ट क्या 5.6 सेकेंड, ओके। तो लाइट एंड हीट एनर्जी जो होता है सोलर एनर्जी, अब सोलर एनर्जी के बारे में सबको पता है, क्या होता है सोलर एनर्जी बताओ, सोलर एनर्जी के बारे में सबको पता है। तो सोलर एनर्जी में क्या होता है, लाइट एनर्जी जो होती है और हीट एनर्जी जो होती है सन से, ठीक है, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी फ्रॉम द सन आर नोन एज सोलर एनर्जी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं, जो भी लाइट हमें सन से मिलती है वही सोलर एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो वो कंटिन्यूस चलती है और वो जो है रिन्यूएबल है। सोलर कुकर, नाउ व्हाट इज सोलर कुकर, सोलर कुकर्स एंड वाटर हीटर्स आर सोलर एनर्जी टू ऑपरेट। सोलर कुकर होता है जो कि आपका कुकर एक है जो कि एक्चुअली आपका सन के एरिया से चलता है, इवन है वाटर हीटर्स, ठीक है। और ब्लैक सरफेस में क्या होता है, ब्लैक सरफेस से ज़्यादा जो है एनर्जी सोक कर सकता है, इसी वजह से आउटर कोटिंग ब्लैक होती है ताकि बहुत ज़्यादा जो है हमका हमारा जो सन का रेज है वो अब्जॉर्ब हो सके। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है मिरर टू फोकस ऑन सन रेज, दे यूज रिफ्लेक्टिंग मिरर्स। उसके अलावा जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर की तरह होता है ताकि सन रेज अब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। सोलर सेल, सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल जो होता है सोलर एनर्जी, घर में देखा होगा, स्कूल में, हॉस्पिटल में लगा होता है, जहाँ पे कि सोलर एनर्जी जो होता है कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को।
ठीक है, टिपिकल सोलर सेल प्रोड्यूस करता है 0.51 का वोल्टेज और 0.7 वॉट का इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, उसमें कुछ सेल्स लगे होते हैं कंबाइन करने के लिए। क्या क्या एडवांटेज है? हिलाने रुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस कम है, कहीं भी आप एक उसको एक सेटअप कर सकते हो। वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली आता है, ओके, एंड स्पेशल सिलिकॉन ग्रेड चाहिए होता है जो ईजिली अवेलेबल नहीं होता। ट्रैफिक सिग्नल में हॉस्पिटल, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हर जगह यूज़ होता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके, तो यहाँ पे देखो सनलाइट यहाँ पे सरफेस होता है, वहीं से अब्जॉर्ब होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक, इट्स ईजी, यू डोंट हैव टू नो द मैकेनिज्म। ऑलराइट, सो आई होप दैट यू एन्जॉय टुडे सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई डेफिनेटली आंसर। आई बी सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन विद योर टॉपिक, दैट इज अ फाइनल वन। एंड टिल देन हैव अ गुड एंड कीप स्माइलिंग। बाय।